वैम्पायर्स, ड्रैकुला, ये दो नाम तो आप सभी ने सुना होगा। उनको अगर इंसान का या फिर जानवर का खून पीने के लिए ना मिले, वो खून पीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खून ही खून है, वहाँ पे ह्यूमन के स्कल्स हैं और वहाँ पे अजीब सी बदबू। बोनस पा जाओ। वैम्पायर्स, ड्रैकुला, ये दो नाम तो आप सभी ने सुना होगा। अगर आपने ये नाम सुने भी होंगे तो भी इन नाम के पीछे की सच्चाई बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वैम्पायर्स क्या है, क्या ये सच में होते हैं, क्या ये आज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वैम्पायर्स सच में रहते हैं। इवन साइंस भी इस चीज को मानती है कि वैम्पायर्स जैसे लोग रहते हैं, पर साइंस में वैम्पायर्स को कोई सुपरनैचुरल पावर जैसे नहीं माना गया है। साइंस में यही माना जाता है कि ऐसे कुछ इंसान होते हैं जो इंसानों की खून पीना पसंद करते हैं या जानवरों की खून पीना पसंद करते हैं, और इस चीज़ से उनको शक्ति मिलती है, उनको खुशी मिलती है खून पी के। पर साइंस में इसको एक रोग की तरह, इसको एक बीमारी की तरह देखा गया है, जहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ प्राणी ऐसी होती है जो दिखती तो बिल्कुल इंसानों की तरह ही है, पर वो असलियत में इंसान नहीं होते। वो इंसान के खून पी के अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, अपने आप को वो हमेशा यंग रख सकते हैं, इवन वो अमर भी हो सकते हैं। और इवन डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि जिन लोग को ये बीमारी है, उनको अगर इंसान का या फिर जानवर का खून पीने के लिए ना मिले, वो खून पीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को किसी चीज़ का नशा हो जाता है, उसको अगर वो चीज़ नहीं मिलती है, वो पागल हो जाता है, वैसे ही इन मरीजों को खून का नशा हो जाता है, खून पीने का नशा हो जाता है, और अगर उनको खून ना मिले तो वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं, इवन वो बेहोश भी हो जाते हैं। एंड इस बीमारी का आज तक कोई भी इलाज नहीं है, और इनकी परछाई नहीं होती, इनकी परछाई कभी भी नहीं दिखती। इवन ये लोग आईने में भी दिखाई नहीं देते हैं। मैं अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, जहाँ पे सवाना नाम की जगह पे एक वैम्पायर को स्पॉट किया गया, एंड आप खुद देख पाओगे कि शीशे में, आईने में उसकी परछाई नहीं दिखी। आपने खुद देखा
कि उस आईने में हर किसी की परछाई, हर किसी की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही थी, पर उसका रिफ्लेक्शन कहीं पे भी नज़र नहीं आया। आई डोंट नो कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर वो लड़का सही में एक वैम्पायर था। एंड अभी तक बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पहले भी वैम्पायर्स हुआ करते थे, वो आज भी हैं और वो आगे भी रहेंगे क्योंकि वो अमर होते हैं। इवन बीबीसी की कुछ न्यूज़ में एंड बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में ऐसा दिखाया गया है कि ऑरलैंड्स बोल के एक जगह है जहाँ पे वैम्पायर्स की एक अलग सोसाइटी है, एक अलग ग्रुप है, वो वहाँ पे रहते हैं जो कि आम इंसानों जैसा ही दिखते हैं, पर वो खून पीते हैं एंड ऐसे ही प्रैक्टिसेस करते हैं। और बोला जाता है कि वहाँ पे करीब 5,000 वैम्पायर्स अभी तक, आज तक है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ड्रैकुला के बारे में। क्या ड्रैकुला सही में था? हाँ, सही में ड्रैकुला था। ड्रैकुला का असली नाम था व्लैड III या फिर व्लैड द III। व्लैड द III एक बहुत ही ज़्यादा खूंखार राजा थे जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम पे 1,00,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान ली है। और वो ऐसे ही किसी की जान नहीं लेते थे, वो अपनी टॉर्चरिंग टेक्निक के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। आपने कभी ना कभी शीख कबाब तो देखा ही होगा, जैसे कि चिकन के अंदर में एक शीख को घुसा दिया जाता है, वो बहुत लंबे लंबे शीख बनवा के उसको इंसान के शरीर के अंदर घुसा देते थे और ऐसे घुसा के उसको लटका देते थे ताकि वो इंसान जल्दी ना मरे, वो धीरे धीरे तरप तरप के मरे और उसके बॉडी के ऊपर वो शहद डाल देते थे ताकि चील, कौवा सब उसके बॉडी को नोच नोच के खा जाए। और अगर इस तरीके से किसी भी इंसान को मारा जाए, वो 3 से 4 दिन जिंदा रहता है, उसका हार्ट बीट चलता रहता है, उसका ब्लड फ्लो भी चलता रहता है, पर वो इतना दर्द सहता है अंदर से कि वो धीरे धीरे मर जाता है 3-4 दिन के बाद। और बोला जाता है कि ड्रैकुला जितने भी लोगों को ऐसे मारते थे, वो उन सारे लोगों का खून पीते थे। इवन ऐसा भी सुना जाता है कि उसने एक दिन उनके एक फ्रेंड को, एक दोस्त को दावत पे बुलाया और उनको जो सब चीज़ें अच्छी लगती थी, जैसे कि ब्लड, वो स्कल के ऊपर खाना खाना पसंद करते थे, ह्यूमन स्कल के अंदर खाना डाल के वो खाना खाना पसंद करते थे, तो इसीलिए उन्होंने वैसे ही स्कल, ब्लड सब कुछ टेबल पे सजाया हुआ था। और जब उसका वो फ्रेंड आया, उन्होंने आते ही देखा कि वहाँ पे खून ही खून है, वहाँ पे ह्यूमन के स्कल्स हैं और वहाँ पे अजीब सी बदबू आ रही है। उन्होंने ड्रैकुला को बोला कि यहाँ पे मुझे बहुत बदबू आ रही है। तब ड्रैकुला उनको छत पे ले गए और छत पे ले जाके उन्होंने अपने ही दोस्त के साथ वो सेम इम्पेलमेंट का टेक्निक किया और वो नीचे से उसके फ्रेंड को देख के हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे, अभी तुमको खुशबू आ रही है या फिर अभी भी बदबू आ रही है? आप समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा क्रूर था। उस टाइम पे वहाँ पे जिप्सीज हुआ करते थे जो चोरी करते थे। उनमें से एक चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तब ड्रैकुला ने जिप्सीज को बोला कि जो चोरी करते हुए पकड़ा गया है
उसका स्किन चाकू से काट के निकालने के लिए। इसलिए उन जिप्सीज ने उन्हीं के टीम मेंबर का स्किन को चाकू से निकाला और जब उसके फुल बॉडी में से स्किन निकल चुका था तब ड्रैकुला ने बोला गरम पानी तैयार करने के लिए और उस जिप्सी को गरम पानी के अंदर जिंदा बॉयल किया गया और उसको जिंदा बॉयल करने के बाद जब वो उसी गरम पानी के अंदर तड़पते हुए मर गया तब उसके छोटे 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 टुकड़े करके उनके ही टीम में जिप्सीज के टीम में सबको खिला दिए गए एंड उनको वो खाना पड़ा क्योंकि वो अगर नहीं खाते तो उन सबको मार दिया जाता। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी घटनाएं हैं ड्रैकुला से रिलेटेड, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्रैकुला अमर है जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ड्रैकुला को मार दिया गया सुल्तान महमूद ने जब व्लैड III मतलब ड्रैकुला का एरिया दखल करना चाहा तब उन्होंने वॉर में ड्रैकुला को मार दिया एंड 45 की एज में ड्रैकुला मर गए थे। वो अभी जिंदा नहीं है पर उनके मौत के बाद भी उनका दहशत उनके पूरे एरिया में था। लोग तभी भी उनके नाम से कांपते थे। इवन आज भी रोमानिया की बहुत सारे लोग ड्रैकुला के नाम से खौफ खाते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्रूर राजा थे जैसा कि बहुत ही कम हुए होंगे फुल वर्ल्ड में। तो आपको कैसा लगा ये स्टोरी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और आगे भी ऐसी सच्ची स्टोरीज ट्रू घटनाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए